अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दाऊद। क्रिसमस डे के हवाले से पूरे पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है? सर हम तो नहायत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी है ये काफ़ी अच्छी है और इन्होंने चर्चेज़ वगैरह को सिक्योरिटी दिया पाकिस्तान की हुकूमत ने और तमाम हादसों वगैरह से बची हुई है और अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज बहुत प्यारा क्रिसमस मनाया जा रहा है और जो हमारे मुस्लिम भाई है वो भी हमारे साथ ये इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा खुश हैं और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने आज के दिन हम सब के ऊपर अपना फ़जल किया। और ये क्रिसमस हम इसलिए सर मनाते हैं कि ये मसीह खुदावंद की पैदाइश का दिन है। आज ये क्रिसमस डे है तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? क्रिसमस डे ये हमारा खुशियों का दिन है, मुबारक है। हमारे यीशु मसीह इस दिन पैदा हुए इसीलिए हमारे लिए ये सबसे अहम दिन है, ब्लेसिड डे है, बहुत ही खुशियों भरा। हम सब मिलते हैं, चर्च आते हैं, प्रेयर करते हैं, अपने अजीज़ों से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों को विश करते हैं, सबको मुबारक देते हैं। तो पाकिस्तान के लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पाकिस्तान के आल लोगों को, सब लोगों को, मुस्लिम क्रिश्चनों को सब कहूँगी कि हैप्पी क्रिसमस। सब मिलजुल के रहें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, हर दिन को सेलिब्रेट करें, चाहे वो क्रिश्चियन का हो चाहे मुस्लिम का हो। आज आपका ईद का दिन है तो कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? जी सर, जैसे कि आपको पता है कि पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी बड़े जोश के साथ क्रिसमस मनाई जा रही है और हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। बड़ा अच्छा इंतज़ाम है, खुसूसन पुलिस सिक्योरिटी का बहुत अच्छा इंतज़ाम है। जो भी DIG साहब के हुक्म से ये सारा कुछ हुआ है, बड़ी अच्छी तरीके के साथ हम बड़े खुशहाल हैं और आज के दिन बहुत ही सारा हैप्पी हैं। और खुसूसन आपकी कवरिंग का भी बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो क्रिसमस डे के हवाले से आप पाकिस्तान की आवाम को, लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए सर, कोई भी किताब है ना, चाहे अंजील हो, जबूर हो, तौरात हो या कुरान पाक हो, ये सभी हमें अमन का दर्स देते हैं। तो मैं अपनी पाकिस्तान की आवाम को और दीगर जहां भी ये सुन रहे हैं लोग, उनको यही कहूंगा कि कोई भी ऐसा मज़हब नहीं है जो कि कोई दहशतगर्दी के हवाले से कुछ तालीम देता है, बल्कि अमन और सुलह और सलामती के लिए देता है। और आज हम क्रिसमस के मौका पर खसूसी तौर पर सर पाकिस्तान की अमन, सलामती और बका के लिए दुआ कर रहे हैं। आपका बड़ा दिन है जिसको ईद भी कहते हैं, तो कैसे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? नहीं, बड़ी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी मेहमान कुछ आ रहे हैं घर वाले, तो अभी हम पहुंचे हैं, रश की वजह से अभी चर्च का इंतज़ार हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। अभी अपने जीजों कारों से मिलेंगे तो और अच्छा लगेगा। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको क्रिसमस के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पाकिस्तान के लोगों के क्रिसमस के हवाले से सबको तो पहली तरह से मेरी तरफ से क्रिसमस मुबारक। और मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, सब हम एक बहन भाइयों की तरह रहना चाहिए, अमन व अमान के साथ रहना चाहिए। तो यही है कि सब आपस में मिलजुल कर बैठे हैं हंसी खुशी।